एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और गुजरात से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज बाय टाइटल आपने देख लिया होगा कि हम आज क्या करने वाले हैं। पहले ही मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया था कि जो देखो मिर्च के प्लांट हमारे छोटे छोटे से ग्रो हो गए हैं। तो आज हम इसी सब जो चीज़ है मिर्च के प्लांट को हम ट्रांसप्लांट करेंगे बड़े गमले में। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम करते हैं ट्रांसप्लांट। मिर्च का जो प्लांट है हम उनको ट्रांसप्लांट करेंगे। तो चलो मैं करती हूँ बड़े गमले में उनको ट्रांसप्लांट। और सभी जो मैं तुलसी लेके भी आई थी उनको भी मैं ट्रांसप्लांट करूँगी और एलोवेरा को भी मैं बड़े गमले में ट्रांसफर कर लूँगी। तो चलो हम वो काम करते हैं पहले। ओके गाइस, मैं जो पॉलीथीन होती है उसमें मैं ये छोटे छोटे एलोवेरा के प्लांट लेके आई थी और इसको मैं बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर लूँगी पहले। तो बाद में मिर्च के प्लांट को मैं ट्रांसप्लांट करूँगी। मिर्च के लिए मैंने ऐसा किया था कि जो सूखी मिर्च होती है, लाल मिर्च आती है सूखी, उनके जो सीड्स होते हैं उसको मैंने सिर्फ गमले में ऐसे डाला था। और थोड़े से मैंने चाय के जो कप होते हैं उसका भी मैंने वीडियो थोड़े दिन पहले मैंने अपलोड किया है मेरे चैनल पे, तो जाके देख सकते हो। तो उनको मेरे चाय के कप होते उसमें भी मैंने बीज थोड़े डाले थे, तो वो भी ग्रो हो गए थे। पर जैसे मैंने ये गमले में डाले थे उतना जो अच्छे से ग्रो हुआ है वो कप में नहीं हुए थे, इसलिए वो मैंने यूज़ नहीं किए। और ये गमले के जो प्लांट है मिर्च के वो मैं अभी ट्रांसप्लांट कर लूँगी। और सभी नज़दीक होते हैं तो इसके लिए हमें इनको ट्रांसप्लांट करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से ग्रो हो पाए हमारे मिर्च का प्लांट। तो आप भी करना चाहते हो घर पे ये सब तो कर सकते हो। आप मिर्च के जो बीज होते हैं उनको रात भर सोख के रखिए पानी में, फिर सुबह उनको गमले में ऐसे सिर्फ मिट्टी डाल के करिए तो हो जाएंगे ग्रो। तो देखो हमने अभी सभी काम फिनिश कर दिया है। इस काम में मुझे 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया था, पर कोई बात नहीं, इसकी खुशी भी अलग होती है क्योंकि मुझे वैसे भी गार्डनिंग करना पसंद है। तो मैं ये सब करती रहती हूँ। जो आपको भी मेरी तरह ये गार्डनिंग करना पसंद है तो जो मैंने ऐसे DIY करके भी लगाया तो आप भी ऐसे यूज़ करके रिसाइकल करके आप यूज़ कर सकते हो। आप घर पर भी प्लांट अच्छे से ग्रो करिए। और बहुत ही हेल्दी प्लांट है हमारे। अभी अपडेट देती रहूँगी ये मिर्च के प्लांट का आपको। गाइस, अभी हमारे गार्डनिंग का जो भी काम था वो फिनिश हो चुका है, हमने सब कुछ कर लिया है। तो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और मेरे चैनल पे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो है तो आप जाके देख सकते हो ताकि आपको भी डिफरेंट टाइप की वीडियो देखने को मिले। ओके गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स। तो मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।